जरा कल गोली बजी हूने बजे मेरा तुम इंटरव्यू शायर कर दो मैं किसी ने चुकना चुक लवे लै जाए मैं यही गल करना अस तंग आ गए हैं खुदा की कसम हूँ जलूस निकलेंगे पुलिस के नाल मुकाबला होगा इटा चलन दियाँ तो ताजी आबाद आएंगे नहीं 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 बंद नहीं होएगा नहीं बंद कर देंगे नहीं असि खोलांगे सुबह इंशाल्लाह ताला उन्होंने कल से बंद कर दिया हमारी कुर्बानी तो इस तरह हो गई मनाहा की तरफ कारीगर सामने बैठे हुए दुकान पे पैसे लेने के लिए उनसे वादा किया जुमेरात का तो आज आ गए पैसे तो आज कहाँ से दें जी विवर्स लॉकडाउन के बाद स्मार्ट लॉकडाउन और करते करते आज एक नया स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है आज रात 12 बजे पंजाब गवर्नमेंट ने जैसे ही आज रात 12 बजे का स्मार्ट लॉकडाउन के बारे में ऐलान किया है और बाज़ारों में गैर मामूली रश देखा जा सकता है क्योंकि लोग इत्मीनान से बैठे हुए थे क्योंकि अभी ईद को काफ़ी दिन बाकी थे। इस वक्त हम शाह आलम मार्केट मौजूद है और पूछते हैं कि जो एकदम से जो पंजाब गवर्नमेंट ने स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया इस हवाले से ताजर बरादरी किस तरह से मुतासर होगी। पहले उन्हें कहा 2 दिन पहले बंद करेंगे एक दिन करता सानू ओंजी गोली मार देवे एनू तेरा चिन्ह एडा जालम है मैं करना मैं झोली चुका करना जाला पा जरा कन दिल देखना नसीब ना हो बुढ़िया पूछो वो बेचारियाँ सौदा नहीं लेंदियां आदि कहदियाँ कल क्या होना है परसों क्या होना है दुकान बंद है हमने नहीं सौदा लेने जा रहे इतों औरतों को पूछो वो तुम 9-9 करोड़ गाला कर दियाँ नजर आएंगी 9-9 करोड़ गाला कर दी हूँ तो जे PTI ने वोट पाए ने वो भी 9-9 करोड़ गाला कर देने असं तो कहना जाला पा इन चुक लैं खाना खराब कर दे इन्हें साडा खाना खराब कर दिता है यकीन करो साडा कारोबार एक तगड़े का नहीं है लेन देन खलोता है अभी पैसे नहीं वटे हैं पैसे कितों देने वो सानू माल नहीं देते बिल्कुल और वो लोग क्योंकि मार्केट बंद हो जानी है और लेन देन वाले और तुम एक चीज़ और देखो ये कहने ये OSP SP जी कहते हैं हूँ दसो जरा इन्हें हाँ जी SOP इन्हें ऐलान किया कि जी अच्छ 8 बजे बंद करता लोग बाहर आ गए हूँ OSP किथे गया SOP किथे गया अगर यह आराम न करता पूरा हफ्ता देता लोग अपने आराम न थोड़ा थोड़ा करके आते कोई रश नहीं पैना कोई कुछ नहीं होना साडा यकीन करो तुम सोच नहीं सकते अभी सुबह वहले बैठे होंने शाम को अगर कोई ना 5 बजे गाहक निकलता है 7:45 पुलिस आ जाती है सानू मार मार के दुकाना बंद कर यार कोई गल करा ली तू वज़ीरे आज़म हो के जो गरीब आवाम का नहीं सोचना तो गरीब आवाम तो अल्लाह करे जरा कल गोली बजी हूने बजे मेरा तुम इंटरव्यू शायर कर दो मैं किसी ने चुकना चुक लवे लै जाए मैं यही गल करना अस तंग आ गए हैं खुदा की कसम हूँ जलूस निकलेंगे पुलिस के नाल मुकाबला होगा इटा चलन दियाँ तो ताजी आबाद आएंगे वरना इन्हें बाद नहीं आना मैं तुम दस देव असी हूँ बाद सड़कों पर आना जी याद रखना हूँ लड़ाई होएगी झगड़ा होगा पुलिस नाल भी इहदे नाल भी हूँ जो होगा देखी जाएगी जिसले इंसान रोटी खाओगे ना तो फिर उसका घाट छड़ता वह कहता मेरा तो घाट छड़ ही गया हूँ मैं उन्होंने नहीं रहन देना तो इंशाल्लाह ताला असीं रहन ही नहीं देना यह 7:45 पुलिस आनी है देखना की हाल होएगा चपेरा मारेंगे गाहकों बुढ़िया तिक्के मार देंगे जो उन्होंने पिछले ईद उत्ते किया पिछली ईद से इन्होंने बुढ़िया तिक्के मारे ने असी दुकाना बाहर हाँ जी शुरू हो गए ना हूँ काम तुम दरबार जाके देखो काम शुरू हो गया अनारकली के बीच भी काम शुरू होया हूँ काम इंशाल्लाह तला रुकना नहीं है चल चल होना है इंशाल्लाह तला तुम देखना जरा लॉकडाउन नहीं होना चाहिए सर माल हाले अज ही लिया के आए हैं नुकसान कर दिता वे असं कितों खर्चा कटने ने ना कुरबानी जो के पैसे हुए ने साढ़े को बहुत जुल्म किया इन्हें ज्यादती की है साढ़े ना नहीं 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 बंद नहीं होएगा नहीं असं क्यों असी खोलांगे सुबह इंशाल्लाह ताला इस हुकूमत से हम कुछ नहीं इस हुकूमत ने हमारा बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया अल्लाह ताला इसको हिदायत दे बस अल्लाह का अल्लाह यार ये एक होता है बेवकूफ ये बेवकूफों के IG हैं इनको ये नहीं पता कि क्या करना क्या नहीं करना अगर इतना ज़रूरी करना है तो फिर आने वाला जो प्रोग्राम है उनको भी बंद कर दें वो पहले भी बंद नहीं हुआ रमज़ान में और अब भी इन्होंने बंद नहीं करना ये तो आपकी मेर अगर तो इन्हें हमें करवाना है हमारा बेड़ा गर्क करना है तो फिर अगला प्रोग्राम दे दें कि हम जब मुहर्रम के बाद खोलेंगे सारे बाजार तैयार है इस तरह तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अच्छा, क्योंकि अभी ईद को काफ़ी दिन है आपने काफ़ी माल खरीदा भी होगा भाई जान मैंने कुर्बानी आप सेल करके लानी थी और मैं दुकान बंद हो गई मेरी कुर्बानी तो गई और इन भाई ने भी यही करना था हाँ साहब की कुर्बानी अब हाँ साहब भी कुर्बानी करेंगे काटना देना इस बात को हम जितने दुकानदार हैं ना हमने आखिरी दिन पर सेल करनी होती है कुर्बानी लेके आनी है बच्चों को ईद ही देनी है और उन्होंने कल से बंद कर दिया हमारी कुर्बानी तो इस तरह हो गई मनाहा की तरफ अभी इंसान ने अपना प्लानिंग बनाई होती है कि आज किसी को देने कल किसी को देने कुछ खरीदारी करनी है कुछ कुर्बानी के पैसे इकट्ठे करने एकदम लॉकडाउन इकट्ठा करके सत्यानाश कर दिया हमारे कारोबार का कारोबार ये जरी का तो आपने जारी बात आपने बहुत सा माल लिया भी होगा कि ईद के भाईजान कारीगर सामने बैठे हुए दुकान पे पैसे लेने के लिए उनसे वादा किया जुमेरात का तो आज आ गए पैसे तो आज कहाँ से दें
वो भी मजबूर है, उन्होंने आगे लेबर दे, लेबर को पैसे देने, हर बंदा इस टाइम इतना परेशान है कि क्या बताएं। इस जो स्मार्ट लॉकडाउन एकदम से ऐलान किया गया, इससे खाली ये नहीं कि कोई ताजे तबका, इससे आम आदमी भी बहुत ज़्यादा बाइजन सारे बंदे परेशान हैं। आपको क्या बताएं कि सांस लेना मुश्किल हो गया, इतने हालात ख़राब हैं भैया। इतना काम वसी किया हुआ है, इन लोगों ने कहा कि कोरोना नहीं आएगा, लॉकडाउन इन्होंने कर दिया है। लॉकडाउन की वजह से ये देखिए मार्केट में कितना रश है, और इसका कोरोना नहीं आएगा क्या? और हम लोगों के माल की पेमेंट रुक गई है, लोग माल इतना स्टॉक किया हुआ, कहाँ लेके जाएंगे हम? नहीं भैया, ईद के लिए स्टॉक किया था, ईद के लिए किया था, ईद पे हम माल बेचेंगे करेंगे, अब आगे हमें दिन नहीं मिलेंगे, इस सारा हमें हम लोगों का लेन देन हमारा बस हो चुका है, ठीक है, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? एक हुकूमत को समझ में नहीं आती। ईद के दिन है ये, आप देखें कस्टमरों का रश देखें, अचानक से उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी स्मार्ट लॉकडाउन है, अब दुकानदार क्या करें, हर बंदा परेशान है, हर बंदे को परेशान कर दिए इन्होंने। इतला पहले कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं, करते कुछ हैं। हमारे जो छोटे ताजर हैं ना, इनको बहुत ही नुकसान हुआ है, क्योंकि ये गरीब आदमी कहाँ जाए, आटा महंगा, चीनी हर चीज़ महंगी, इंसान कहाँ जाए, इसने इन्हें लॉकडाउन कर दिया, ये कहते हैं कोरोना खत्म हो गया, कहाँ खत्म हुआ है, ये कहते हैं हमने काबू पा लिया, कहाँ काबू पाया इन्होंने, तो ये काबू को पाया, फिर क्यों लॉकडाउन कर रहे हैं, क्या वजूहा लॉकडाउन करने की? नहीं तो ये ईद के लिए आपने कोई खसूसी खरीदारी की हुई थी, क्योंकि ईद पे जारी बात है माल खरीदा हुआ अपने माल खरीदा हुआ है, और हमारा भी अपने नुकसान दिया है, तो फिर पता है कब लॉकडाउन खुल जाएगा, ये कहते 5 दिन तक करें, पता है कब कब खुल जाए, हम कहाँ जाएंगे, लोगों को पेमेंट देनी है, कहाँ देंगे, हम डाके मारेंगे जी भाई। हम इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हुए कारोबार के हालात से, ऊपर से इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया दोबारा 10 दिन का, आप ये देखो कि गरीब आवाम कहाँ पर जाएगी, जो सफ़ेद पोश आदमी है, हर किसी को अब अपनी अपनी परी भी क्या करें, गवर्नमेंट को इस चीज़ का एहसास ही नहीं आ रहा। तकरीबन पिछले 3 माह के हमने जो लॉकडाउन जो गुजारा है उसमें तो मैं समझो कि हमारी जो तकरीबन टोटल जो गरीब सफ़ेद पोश आदमी थे ना, उनकी मेचित तबाह हो गई है, टोटल बेकार हो गए, हर आदमी अपनी रोटी से इंतजार हो गया। अच्छा ऐसा क्योंकि ईद के दिन अभी बाकी है, क्योंकि आखिरी 1-2 दिनों में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो आपने जारी बात है माल भी लिया होगा, पेमेंट्स भी करनी होगी। आदमी बात है, ये सारा कारोबार देखो ना भाई, जितना ये माल पड़ा हुआ इसकी भी मूवी बना लो, बेशक आप क्या समझो अब इनको पेमेंटें देनी कैसे देंगे, 7 बजे के बाद वैसे ही इन्होंने शॉपें बंद करवा देनी है पुलिस ने आके, अगर कोई आ जाता है बीच के दिनों में वो पुलिस उठा के ले जाती है, उसे उन्हें कहते हैं भाई हमें छोड़ दो, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे एक बात बताओ ना, एक शरीफ आदमी अपने बच्चों के पेट के लिए यहाँ पे रोजी कमाने के लिए आता है, ऊपर उसे पुलिस उठा के ले जाती है, पर्चा दे देती है, नहीं तो 5-6 हज़ार रुपये लेके छोड़ते, उसके अलावा बात ही नहीं करते वो लोग जो हैं जी। भी स्मार्ट लॉकडाउन के ऐलान के बाद बाजारों में गैर मामूली रश देखा जा रहा है, और ताजर तबका बहुत ही परेशान है, क्योंकि उन्होंने ईद के लिए स्टॉक लिया हुआ था, और जो कि एकदम से ऐलान किया गया तो लोगों ने खरीदारी भी नहीं की थी, जिसकी वजह से बाजारों में गैर मामूली रश देखा जा रहा है, और ताजर तबका बहुत सख्त परेशान है, और उनका ये कहना था कि जो हमने ईद के दौरान ईद से पहले जो सामान बेचना था, क्या आज रात जो हम 12 बजे लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हम ये सामान बेच पाएंगे। ताजरों का कहना था कि हम पेमेंट्स भी नहीं दे सकेंगे और ना ईद के जानवर खरीद सकेंगे। कैमरामैन हुसैफा हिजाजी के साथ फाइज सुख्ताई, बागी टीवी, रंगमहल, लाहौर।